आज के इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे यस बैंक स्टॉक के बारे में। लास्ट न्यूज़ हमने पढ़ा था 6500 करोड़ के सेटलमेंट को लेकर के, और इस समय जो ट्रेंड है वो काफ़ी लंबे समय के बाद पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है। तो एपिसोड में आगे बढ़ें इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करके डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन कर लें, अगर आपको एक्टिव ट्रेडिंग कम्युनिटी लर्निंग ग्रुप में जुड़ना है तो। यहाँ क्रिसिल के तरफ से भी जो रेटिंग है यहाँ देखेंगे, रेटिंग अपग्रेड करे गए थे। इसके साथ ही जो अपने मोबाइल बैंकिंग है इसको भी कंपनी ने अपग्रेड करा। यहाँ देखें तो इसके जो वॉल्यूम है वो हायर वॉल्यूम, रिसेंट के जितने भी वॉल्यूम हैं उसके हायर वॉल्यूम दिख रहे हैं। 6500 करोड़ के सेटलमेंट के न्यूज़ को ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है, इसीलिए इसको इस एपिसोड में हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। यहाँ जो डिलीवरी है वो बेटर दिख रहा है, और जो टेक्निकल ट्रेंड है वो भी देखेंगे तो इस समय थोड़ा बहुत बेटर दिख रहा है। इस समय यहाँ खुश या दुख होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो अनफिल्ड गैप डाउन था इसको मुझे लगता है कि 18 के ऊपर इजिली फील कर सकता है। यहाँ खोने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ ट्रेंड देखेंगे तो हायर हाई हायर लो के ट्रेंड में दिख रहा है, इसीलिए हमने कहा कि जब तक 15 के लेवल को ब्रेकडाउन नहीं करें डाउन ट्रेंड एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। 18 के ऊपर के वीकली क्लोजिंग पर इस स्टॉक में 24, 35 और 50 प्लस तक के लेवल्स दिख सकते हैं। और सेंटिमेंट चेंज कब होगा, जब ये 22 के लेवल को एक बार इस हाई को ब्रेकआउट कर दे तो इतने इनफ्लो आएंगे कि यहाँ से वन साइडेड ट्रेंड जो हमने देखा था इस प्रकार के ट्रेंड यहाँ से 34, 35 तक के लेवल्स भी दिख सकता है।